महाराज श्री राम चंद्र जी महाराज मौलिया सदावत राम जी मंदिर गिरा जी। काफी समय यहां उन्होंने व्यतीत किया, राम नाम लिया और राम नाम का उपदेश दिया सब सभी भक्तों सभी संतों सभी सद्भावना व्यक्तियों महाराज जी के बिंदु अनुराग और सद्भावना रखते अभी काफी समय महाराज जी चारों दिशाओं से कहीं भी जाते हैं तो मौर्या महाराज जी रामचंद्र जी महाराज के पीछे ध्वजा लगी हुई है। उस ध्वजा के लिए कोई भी जाता है कहीं भी किसी प्रकार से द्वारका है क्षेत्र में रामेश्वर बद्रीनारायण है जगन्नाथपुरी है सभी कहीं भी कोई मौर्या से है संत या भक्त कोई जानता है तो बोल मौर्या से आए तो वहां के सभी संत महाराज जी के साथ जुड़े हुए थे सब कहते हैं आओ आओ पधारो पधारो। अरे मौर्या का इतना दुर्भाग्य है कि संतों की कीमत जानता ही नहीं थी। संतों पर सदा ही देश वासना रहता है क्योंकि संत न होते तो भगवान की पहचान कौन करता है। संत हैं इसलिए इनको सब जानते हैं। अगर मौर्या में अगर कोई संत न होता तो मौर्या जैसे काम हजारों लाखों करोड़ों गांव बसे हुए करोड़ों गांव बसे कोई नहीं कहता है कि फलाने काम के जहां संत रहते हैं उन्हीं के काम का और उन्हीं के भक्तों का काम आता है तो जहां संत नहीं रहता है उनको कोई नहीं जानता है। जैसे समझ लो आप सब लोग की जैसे है गटर में जीवा की बड़ी होती है उसको कोई नहीं जानता है और जहाँ उसको चित्र छाया है और गंगा जल के साथ मछली का भी काम हो जाता है और लोग समझते ये है कि साधु तो हमारे यहाँ मुफ्त में रहता है मैं सेवा करता हूँ। साधु की सेवा कोई नहीं करता है। साधु के लिए तो परमात्मा ने कलम पर छिलका रखे है कलम पर उसके नीचे रहता है साधु मौज में जीवन व्यतीत करता हूँ। साधु को कोई कहीं भी ये समझता उसका ध्येय बहुत निकृष्ट है कि मैं साधु की सेवा करता हूँ। कभी कोई साधु की सेवा नहीं कर सकता है परमात्मा की सेवा परमात्मा एक जरूर है कि भगवान ही कहीं भी साधु को है ना साकेत धाम में मोकले या स्वर्ग लोक मोकले या मृत्यु लोक मोकले या पाताल लोक मोकले ये भगवान की कृपा है। बाकी गृहस्थों की कोई की भक्तों की कोई ऐसी नहीं है सहानुभूति कि मैं साधु के साथ कुछ भी स्वीकार कर सकूं। उपकार करो तो एक इतना कर सकते हो कि तुम भोजन करते हो घर घर एक एक व्यक्ति बैठ करके और साथ में साथ आ जाओगे तो 100 व्यक्ति भोजन करेंगे 1000 करेगा 1 लाख करेगा वो साधु की इतनी महिमा है। साधु तुम्हारा कुछ नहीं ले जाता है मैं साधु तुमको कुछ देता है उतना तुमको आशीर्वाद देता है उतना तुम्हारा कल्याण करता है उतना तुम्हारे जगत में नाम विख्यात कर देता है कि फलाने गांव के भक्तों हैं वो यहाँ आए हुए हैं संतों को दूर निकला देते हैं। भगवान का भजन करता है वो कभी भूखा नहीं रहता है कहीं भी नहीं रहा है कहीं नहीं रह सकता। महाराज रामचंद्र जी बाबू की कृपा जानकी दास बाबू की कृपा और जहां जितने भी संतो मंतो जीवन व्यतीत कर गए उनकी सब की कृपा बाबा जी बापू हो या मंडीराम बाबू हो या लालदास बाबू हो या खाकी मंडी वाले बाबू हो या सदावत वाले बाबू हो कोई भी यहाँ जिन्होंने अपना अपना जीवन व्यतीत किया है उन्होंने कुछ भगवान की महिमा देखी नहीं व्यतीत किया हो पर तुम लोग सब इतनी बुद्धि इतना प्रभाव इतना प्रादुर्भाव होते हुए भी ये भी समझते हो कि हमारे गांव में कितने संत हो गए एक दूसरे की निंदा एक दीजिए प्रारंभता एक दीजिए नमस्कार एक दीजिए सम्मान ये करना बहुत बहुत जानते होते कहते हैं तो सब लोग कहते हैं जो फला दवाई बंद करता है फला दवाई गिर जाता है अपने लिए ना किसी के लिए नहीं ना दूसरे के लिए नहीं अपने लिए तो सभी व्यापार धंधा भोजन करते हैं पर दूसरे के लिए करेगा बताओ दूसरे को दो रोटी खिला के बताओ दूसरे की क्षमता देख करके बात करो तो तुम्हारा मान किया जाए यहाँ हमें कोई शौक
ताकि तो अपने लिए जगत जीता है, अपने लिए जगत जी रहा है और जीता है। क्यों? भगवान ने श्रीमद् भागवत में बोले, गीता में भी कहा, यदा यदा धर्मश्री और रामायण में बहुत कहा है। रामायण में क्या कहा है? पर एक सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पेड़ आशा नहीं भगवान। जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान सब लोग माता है, अधर्म में नाश करता है, धर्म की संस्कार करता है और दूसरे कार्य करने के लिए परमात्मा बार बार विप्रदेशान भगवान अवतार नहीं लेता है। भगवान संतों के लिए, धर्म के लिए, गौ के लिए, ब्राह्मणों के लिए और पृथ्वी के भार भूभार उतारने के लिए भगवान बार बार अवतार लिए हैं, बार बार अवतार लेते रहे और बार बार लेते रहे। कल बदल बार नीचे जाते हैं ब्रह्मा जी की द्वितीय प्रार्थ, दो प्रार्थ की आयुष मिल जाती है।